जिनके पास APS ID है या फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट ID है यानी कि CSP ID है, उन लोग के लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे APS में जो ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपको दिक्कत आती है, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पैसा उठाने आते हैं उनका इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है, या फिर अगर आप आधार पे में करते हैं तो उसमें भी अभी बंद हो गया है, पहले हो रहा था। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई अदर बैंक का CSP ले रखे हैं तब भी आपको वहाँ पर कोई भी बैंक का पैसा तो उठ जा रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जब भी आप कस्टमर का आधार नंबर भरेंगे, अमाउंट भरने के बाद कस्टमर का फिंगर कैप्चर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन इनवैलिड आ रहा है। दरअसल ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आपको इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी मिलेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही इकलौता बैंक है जिसमें RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये PCA लगा रखा है RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये दिक्कत आ रहा है। इसके बाद PCA लगने के बाद यानी कि कोई भी बैंक का PCA अगर लगता है, RBI लगाता है, तो वो बैंक ना तो किसी को लोन दे सकता है या फिर अपना न्यू ब्रांचेस कहीं भी ओपन कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे कंडीशन में है। तो ये बात तो साफ हो चुका है कि जो भी बैंक में PCA लगा रहता है यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो लगा रहता है, वो बैंक कोई भी नया लोन अप्लाई नहीं कर सकता, साथ ही न्यू ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकता, और सारे कस्टमर जो कि उनके बैंक में अकाउंट खुले हुए हैं वो किसी भी जगह में APS इस्तेमाल करके पैसे नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग की ये यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि वो पैसा तो उड़ जा रहा है, क्योंकि मैंने भी आज ट्रायल किया, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, DGPay मैंने ट्रायल किया CSC के जरिए, एक बंदे का यहाँ पर 3500 रुपया उड़ल हुआ है। तो ये बात तो साफ हुआ है कि पैसा तो उठ रहा हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन काफ़ी सारे लोग का क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप दो तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके ओपन करना होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एक तरीके से वो बड़ा अकाउंट हो जाता है, और जो सेवा केंद्र में अकाउंट ओपन करते हैं ये छोटा अकाउंट हो जाता है, जनधन अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं। तो बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो आपको एरिया के हिसाब से, आपका एरिया क्या है, रूरल है या फिर अर्बन है, मेट्रो है, तो आपके हिसाब से 500, 1000, 1500, 2000 तक ऐसा कुछ कंडीशन है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है। तो अगर आप इस तरीके का अकाउंट खुले हुए हैं, बड़ा अकाउंट, तो आप अभी के हिसाब से APS यूज नहीं कर सकते कि, या फिर कोई भी दुकान में जाके आप पैसे नहीं उठा सकते अंगूठे की मदद से। लेकिन अगर आप जनधन यानी कि जीरो बैलेंस कह सकते हैं, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में, जो लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए हैं वो चाहे तो यहाँ पर पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हो रहा है, आज मैं जिसका पैसा उठाया वो शायद वो जीरो बैलेंस वाला बंदे का था। तो ये कहना मुश्किल है कि ये जीरो बैलेंस वाला का पैसा भी कब तक उठेगा, क्योंकि ये PCA जब तक लागू रहेगा इस बैंक में आप कोई भी कस्टमर का APS के जरिए पैसे नहीं उठा सकते। जीरो बैलेंस वाले का इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट हैं जो कि स्कॉलरशिप आता है, MGNREGA में कुछ लोग का वो जो लेबर काम करते हैं उसका गवर्नमेंट का फंड आता है, या फिर किसी और वजह से भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पैसा उठने का। तो ये भी कहना मुश्किल है कि कितना दिन होगा या फिर कल से भी बंद हो सकता है। तो जब तक PCA लागू रहेगा इस बैंक में तब तक पैसे नहीं उठेगा। तो सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीने के अंदर ही, अगस्त सितंबर के अंदर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सभी यूजर सभी ग्राहक सेवा केंद्र में जाके पैसे उठा सकते हैं। इसीलिए जो भी लोग डायरेक्टली बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं उनका पैसे नहीं उठ रहा है, और जो लोग जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन किए हैं, सेवा केंद्र में जाके ओपन किए हैं, उनका पैसा उठ रहा है, लेकिन कब तक उठेगा ये गारंटी नहीं है। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर पैसा नहीं उठ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, पहले तो आपको वेट ही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। इसके अलावा एक और भी रास्ता है, तो आपको कस्टमर को बोलना है ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए। उनके पास अगर ऑलरेडी ATM कार्ड है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन उनके पास नहीं है तो ATM कार्ड जब अप्लाई कर देंगे तो आराम से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, आपको वेट ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जब PCA हटेगा इस बैंक के साथ तो ये कोई भी कस्टमर जाके पैसे उठा सकता है, कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता था, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा।